अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ियाउद्दीन। आपको जी फाउंड में बहुत बहुत खुश आमदीद। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक्चुअली आज मेरी एक मुर्गी है, हीरा सील है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी ढीली हुई है और स्वीट पानी भी बहुत कम खा रही है, तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं। तो इसको मैं अभी इंजेक्शन लगाने लगा हूँ। बेसिकली ये इंजेक्शन है टाइलोपेन। तो ये इंजेक्शन होता है, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस और CRD CCRD, और इसके अलावा कोराइज़ा, ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ही मुसर इंजेक्शन है, फौरी असर करता है, ठीक है। तो इंजेक्शन लगाने का मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। इसमें एक केयर होती है, बेसिकली जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो बाज़ जो नए शौकीन होते हैं उनको पता नहीं होता कि इंजेक्शन किस तरह से लगाना है, तो वो हड्डी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से परिंदा जो है फौरन उसकी मोर्टैलिटी हो जाती है, फौरन परिंदा ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो उसका एक टोटका है, बहुत आसान सा। उसमें यह है कि जब हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन को, तो वो गोश्त में लगेगा और हड्डी तक नहीं जाएगा। तो उसका आसान सा हल ये है कि ये इंसुलिन वाली सिरिंज है, ठीक है, तो इसकी सिरिंज छोटी सी होती है, बिल्कुल बारीक होती है, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद बारीक और छोटा कर देते हैं, वो इस तरह के जो कपड़े सीने वाला धागा होता है उससे हम जो है ना बांध लेंगे इसके ऊपर, सिरिंज के ऊपर, और आधी सिरिंज हम कवर कर देंगे धागे के साथ, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि जो है ना मज़ीद सिरिंज छोटी हो जाएगी और गोश्त तक जो है ना हमारी जो है ये सिरिंज जाएगी, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से लगानी है। तो व्यूअर्स, ये मैंने इंजेक्शन भर लिया है। बेसिकली ये एक पॉइंट लगता है 1 kg के ऊपर ना, तो ये 1 cc की सिरिंज है, ठीक है। तो मैंने ये 2 पॉइंट भर लिए हैं क्योंकि ये तकरीबन 2 किलो की मुर्गी है, और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये लगाना किस तरह से है। तो ये चेस्ट में लगाना है हमने, ठीक है। पहले हमें देख लेना है कि कहाँ गोश्त ज़्यादा है, जहाँ नरम आपको फील हो, ठीक है, जहाँ गोश्त ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे हमने सिंपली इसको लगा देना है और चेक कर लेना है कि वेन में ना लगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा नीडल को या अपने सिरिंज को हम बाहर खींचेंगे, ठीक है, सिर्फ एयर निकले तो हम जो है ना फिर उसको प्रेस कर देंगे। इंजेक्ट कर देना है इसको, इंजेक्शन लग गया और इंजेक्शन भी लग गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और नए जितने भी व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ताकि जो है हमारी आंदा आने वाली डिजीज़ के बारे में, ठीक है, बर्ड्स के बारे में और पोल्ट्री मैनेजमेंट के बारे में जितने भी वीडियोस होगी वो आप तक पहुँचेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।